अच्छा, क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं? हमारे बेटा ये क्लास जो है वो 12:15 तक चलेगी। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफरेंट, जैसे हमारे पास डिफरेंट इंक्स होती है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई इंक है जो ब्लू कलर की शेड में, तो उसको बनाने के लिए पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक हमने रेड इंक भी मिक्स की हुई हो, उसमें हमने ब्लैक इंक भी थोड़ी सी मिक्स की हुई हो, उसमें लेट्स से हमने ग्रीन इंक भी मिक्स की हुई हो। इन सबको मिक्स करने के बाद हमारे पास एक टोटल जो कलर आ रहा है वो एक ब्लू का शेड आ रहा है। अब हमें तो सिर्फ ब्लू दिख रहा है ना, लेकिन अगर हम इसको सेपरेट करके देखना चाह रहे हैं कि वाकई इसमें ये डिफरेंट कलर्स मिक्स हैं या नहीं, तो इस तरह इसे सेपरेशन करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी भी एक तरह की सेपरेशन टेक्निक है, लेकिन ये सेपरेशन टेक्निक से ज्यादा एक तरह की हमारे पास यू कैन से एक टेस्टिंग टेक्निक है। देखो, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी को पढ़ेंगे। इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। अच्छा, अब सॉल्युबल सब्सटेंसेस जरूरी नहीं है कि लिक्विड हो, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लिक्विड्स की सेपरेशन कर पा रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी में अगर मेरे पास कोई दो सॉलिड्स भी आपस में मिक्स है ना, मैं उनकी भी सेपरेशन कर सकता हूँ। लेकिन ये हम कोई बहुत ज्यादा मैस स्केल पे सेपरेशन नहीं कर रहे होते। मतलब अगर मेरे पास 1 लीटर की इंक है, तो मैं उसमें सिर्फ सारी 1 लीटर इंक को सेपरेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ड्रॉप लूंगा इंक का और उसमें से सेपरेट करके देखूंगा कि इस इंक को बनाने के लिए कितने कलर्स मिक्स हुए हैं। तो ये इंस्टेड ऑफ अ सेपरेशन टेक्निक वी कैन से ये टेस्टिंग टेक्निक ज्यादा है। अगर मुझे किसी चीज को टेस्ट करना है कि इस ब्लू इंक को बनाने के लिए कितनी कलर्स की इंक यूज हुई है, तो हम ये करके देख सकते हैं। देखो, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास होता है पेपर क्रोमेटोग्राम। अब पेपर क्रोमेटोग्राम बेसिकली किस तरह का होता है, जैसे आपने N95 मास्क देखे होंगे सबने, उस तरह का भी टेक्सचर होता है इसका। पेपर की तरह समझ दो, ये आप घर पे भी कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो उसको। इस पेपर क्रोमेटोग्राम पे हमने क्या करा, ये जो जिस जैसे कि हमने इंक का ड्रॉप जो है वो इस पेपर क्रोमेटोग्राम के ऊपर लगा दिया, ठीक है, इसको हम कहेंगे स्पॉट ऑफ मिक्सचर। अब इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, सेपरेट करके पता लगाना है। इट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स। अच्छा, इसको हम एक कंटेनर में डिप करेंगे और उस कंटेनर के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट हमारे पास होगा। अब वो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप जिस स्पॉट को सेपरेट कर रहे हो, तो उस स्पॉट में अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, या अगर उस स्पॉट में जो कंपोनेंट्स हैं वो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं तो हम वाटर को लेंगे। तो वो सॉल्वेंट जो है वो डिपेंड करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं आप लोग। इसलिए मैं इसलिए यहाँ पे अभी ना सिर्फ सॉल्वेंट लिख रहा हूँ, उसका नाम नहीं लिख रहा। बट दिस सॉल्वेंट जो है वो क्रोमेटोग्राफी टू क्रोमेटोग्राफी या डिफरेंट एग्जाम्पल्स में डिफरेंट यूज हो सकता है, वो वाटर भी यूज हो सकता है,
वो कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है, इसलिए नाम याद नहीं करना है उसका, बस आप ये याद रखो कि एक सॉल्वेंट होता है। आप देखो ये काम ना घर पे भी करके देख सकते हो, जैसे अगर आप एक टिश्यू पेपर लो, उस टिश्यू पेपर को जरा एक फॉइल फॉइल फोल्ड करो उसको, मतलब एक पतली सी वो एक रैप कर लो उसको, मतलब फोल्ड वाला फोल्ड नहीं करना। मेरे पास एक टिश्यू पेपर है, उसको जो है मैं इस तरह से ना हेलिक्स बना लूँ उसका, ठीक है? अच्छा, और उस टिश्यू पेपर के ऊपर आप एक जगह पे कोई आपकी जो फाउंटेन पेन होता है उससे उस इंक फाउंटेन पेन को टच करोगे ना, तो उसमें से बहुत सारी इंक निकल के पेपर में डिजोल्व हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। और इस टिश्यू पेपर को आप किसी कंटेनर में डिप करो जिस कंटेनर में वाटर हो, और उस वाटर का जो लेवल है ना वो उस स्पॉट से नीचे होना चाहिए, मतलब अभी जो स्पॉट है और जो वाटर हमारा जो सॉल्वेंट का लेवल है, ठीक है, वो देखो स्पॉट से नीचे है। उस स्पॉट को सॉल्वेंट में डिप नहीं करना है हमें, क्योंकि उसको डिजोल्व नहीं करवाना है सॉल्वेंट। होगा क्या, उस टिश्यू पेपर के ऊपर पानी ऊपर चढ़ने लग जाएगा, जो पार्ट डिजोल्व है वो तो गीला होगा लेकिन बाकी का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें भी जो है ना वो वाटर सोक होकर ऊपर चढ़ने से लग जाता है। इसी तरह क्रोमेटोग्राम पेपर पे भी ये जो सॉल्वेंट है ना ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, और जब ये सॉल्वेंट ऊपर ट्रेवल करेगा ना ये जो स्पॉट ऑफ मिक्सर है वो अपने साथ इसको भी ऊपर लेके जाएगा। अच्छा, अब इस स्पॉट ऑफ मिक्सर्स में वी हैव थ्री अदर कॉम्पोनेंट दैट आर डिजोल्व इन टू इट, जो कि अभी मिक्स हुए हैं हमें दिख नहीं रहे, लेकिन जब ये सॉल्वेंट इस स्पॉट को अपने साथ ऊपर लेके जाएगा तो कुछ स्पॉट्स जो होंगे सॉल्वेंट में या कुछ कॉम्पोनेंट ज्यादा सॉल्युबल होंगे कुछ लेस सॉल्युबल होंगे, वो कॉम्पोनेंट जो ज्यादा सॉल्युबल है वो ज्यादा ऊपर तक चले जाएंगे सॉल्वेंट के साथ। जैसे रेड वाला ज्यादा सॉल्युबल है लेट से वो ज्यादा ऊपर तक चला गया, ग्रीन वाला वो सबसे कम सॉल्युबल है वो थोड़ा सा ऊपर गया, और जो ब्लैक वाला है वो इनके मिडिल में कहीं आया। तो क्या हुआ कि हमें तीन डिफरेंट कलर्स दिखना शुरू हो गया इस ब्लू कलर में से, इससे हमें ये आइडिया हो गया कि ये जो ब्लू कलर बना हुआ है ये ग्रीन रेड और ब्लैक कलर को मिला के बना हुआ है, और जो सॉल्वेंट है वो ऊपर मूव होते होते एक पॉइंट पे जाके वो भी रुक जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब सॉल्वेंट ऊपर तक चला जाएगा और ये स्पॉट्स सेपरेट हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इस क्रोमेटोग्राम पेपर को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के इस क्रोमेटोग्राम पेपर को हम ड्राई करते हैं, एयर में रख दो ड्राई हो जाएगा। अच्छा, ड्राई करने के बाद हम इस क्रोमेटोग्राम पेपर पे कुछ लाइंस पेंसिल से बनाते हैं, जैसे जहां पे हमने स्पॉट बनाया था ना एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हम इस स्पॉट पे बनाएंगे, या हम लोग ये पेपर पहले से बना के भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बाद में बनाओ। इस लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन, दिस इज नोन एज बेस लाइन, और जो सॉल्वेंट ने टोटल ऊपर तक जो मूव करके जहां पे रुका है वो जो सॉल्वेंट का लेवल है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, जो नीचे से सॉल्वेंट ऊपर सोक करके ऊपर जा रहा था तो जहां पे वो रुकता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जब स्केल से इस बेस लाइन और सॉल्वेंट फ्रंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उस डिस्टेंस को हम बेसिकली सॉल्वेंट फ्रंट कह रहे होते हैं। दिस डिस्टेंस बिटवीन द बेस लाइन एंड लेवल ऑफ सॉल्वेंट दैट हैज रीच ऑन टू द क्रोमेटोग्राम पेपर, डिस्टेंस बिटवीन बेस लाइन एंड फाइनल लेवल ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्वेंट फ्रंट। अब इसमें जो तीन स्पॉट्स हमारे पास अलग अलग हुए हैं, एक ग्रीन वाला अलग हो गया, एक ब्लैक वाला थोड़ा और ऊपर तक गया, रेड वाला सबसे और ऊपर तक गया, तो हम क्या करेंगे कि इन सारे स्पॉट्स का बेस लाइन से डिस्टेंस लेंगे। भाई स्केल से रख के पेंसिल से लाइन बना के डिस्टेंस ले लो, ब्लैक का अलग लेंगे रेड का अलग लेंगे, और फिर हम करेंगे क्या, ये जो डिस्टेंसेस हैं इससे हम लोग एक निकालते हैं, इसको हम कहते हैं आर एफ वैल्यू, आर और सबस्क्रिप्ट में एफ वैल्यू। बेसिकली आर एफ वैल्यू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिटार्डेशन फैक्टर। अभी जो नाम है रिटार्डेशन फैक्टर ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको इसका सिंबल याद रखना है, दैट इज आर एफ।
अदरवाइज इसको हम रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं, लेकिन आप सिर्फ सिंबल याद रखो आर एफ, आर एफ वैल्यू निकालने के लिए। तो अब मेरे पास तीन कॉम्पोनेंट्स है ना, एक ग्रीन वाला है, एक ब्लैक वाला है और एक रेड वाला है। अगर मुझे ग्रीन वाले स्पॉट की आर एफ वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस जो कि ट्रेवल हुआ है, तो उस सब्सटेंस का, ग्रीन सब्सटेंस का जो डिस्टेंस बेसलाइन से ट्रेवल हुआ है वो न्यूमिरेटर में रखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, या इसको हम सॉल्वेंट फ्रंट भी कह सकते हैं। जैसे ये जो ग्रीन लाइन है इसका डिस्टेंस अभी मैं आपको ऐसे कह रहे, तो लेट से ये 2 सेंटीमीटर आया है। जो ब्लैक वाला है उसका जो डिस्टेंस आया है वो लेट से 5 सेंटीमीटर आया है, और जो रेड वाला सबसे ऊपर तक गया है उसका डिस्टेंस लेट से मैं कह दूं वो 10 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट फ्रंट है उसका डिस्टेंस लेट से हम कहते हैं वो 12 सेंटीमीटर है। तो इन सब का अगर आपने डिफरेंट सब्सटेंसेस का आर एफ वैल्यू निकालना है, जैसे अगर मैं कहूँ कि ग्रीन सब्सटेंस का आपने आर एफ वैल्यू निकालना है, तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो ग्रीन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेस लाइन से वो किया है 2 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 12 सेंटीमीटर। तो ये आर एफ वैल्यू ग्रीन सब्सटेंस की आ जाएगी। अगर आपने ब्लैक वाले कॉम्पोनेंट का आर एफ वैल्यू निकालना है, तो बेस लाइन से उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है, और जो सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। तो इन सारे कंपोनेंट्स की जो आर एफ वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट आएंगी, और इन आर एफ वैल्यू से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक बार आर एफ वैल्यू सबकी मेजर करके रख ली है, अब अगली बार जब आप ये टेस्ट करोगे और अगर मेरे पास एक कोई कंपोनेंट आ रहा है जिसकी आर एफ वैल्यू 2/12 आ रही है, तो मुझे पता है वो ग्रीन वाले की है। ठीक है, अभी आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको पता लगेगा इस आर एफ वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। टोटल आर एफ नहीं लेते हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट लेते हैं। अभी शफीक, अभी हम आगे एक और एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमें अच्छा आइडिया होगा कि आर एफ वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मेजर कर रहे हैं इसको। अब इन वाले केस में तो इतना कोई खास नहीं रहा, आप कहोगे कि भाई कलर तो दिख ही रहा है ना मुझे, रेड है ब्लैक है ग्रीन है, तो मैं आर एफ वैल्यू निकाल के क्या आइडेंटिफाई करूं, दिख रहा है सामने रेड ब्लैक, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं दिख रहे होते। मतलब जरूरी नहीं है कि कलर्स की, इनके कलर्स की क्रोमेटोग्राफी हो रही हो, और भी डिफरेंट क्रोमेटोग्राफीज होती हैं, तो वो देखते हैं एग्जाम्पल अभी समझ आ जाएगा। टिश्यू को मुताफ अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा पार्ट पानी में डालना, ठीक है, 10% या 20%, उसके ऊपर रिंग लगाना और फिर थोड़ी देर उसको पकड़ के रखो पानी के अंदर। चले आगे बढ़े। देखो क्रोमेटोग्राफी हम लोग, पता है ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एक टेस्टिंग टेक्निक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजुअली जो हमारे पास, आपने सुना होगा जो एथलीट्स का डोप टेस्ट होता है, डोप टेस्ट समझते हो ना, जो एथलीट्स में वो चेक करते हैं कि ब्लड में स्टेरॉइड्स हैं या नहीं है, तो वो भी क्रोमेटोग्राफी से होता है। वो किस तरह से क्रोमेटोग्राफी से होता है, अब जब हम ब्लड टेस्ट कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे कॉम्पोनेंट्स के कलर हो, कुछ मोस्टली कॉम्पोनेंट्स कलरलेस होते हैं। लेकिन अब हमें फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले से ना डोप टेस्ट करके रखा हुआ है, अब एक नॉर्मल बंदे का ब्लड है, जब हम उसकी क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो हमें पता है कि कितने कॉम्पोनेंट्स आएंगे और हर कॉम्पोनेंट की क्या आर एफ वैल्यू होगी, क्योंकि नॉर्मल बंदे का ब्लड है, आप किसी ब्लड का, नॉर्मल ब्लड का क्रोमेटोग्राफी करके रख लो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो है ना ये 4 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं ऊपर, अब इन 4 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स की अपनी अपनी एक आर एफ वैल्यू है। अब लेट से कोई रेड ब्लड सेल है, कोई व्हाइट ब्लड सेल है, कोई प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये सारे नॉर्मल ब्लड में होते हैं, लेकिन एक एक बंदे का हमने क्रोमेटोग्राफी की उसके ब्लड की, और उसमें एक स्पॉट ऐसा आ रहा है जो कि नॉर्मल ब्लड में नहीं आता,
से वो एक स्पॉट है जिसको मैं अभी कलर में बना रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कलर में हो। इसकी आरएफ वैल्यू जब हमने निकाली ना, तो इसकी आरएफ वैल्यू मैच कर रही थी किसके साथ, स्टेरॉइड्स की आरएफ वैल्यू के साथ। दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द आरएफ वैल्यू के ये जो स्पॉट इस बंदे के ब्लड में एक्स्ट्रा आया है ना, ये स्टेरॉइड का है, किसी और चीज का भी हो सकता है, लेकिन अगर आरएफ वैल्यू स्टेरॉइड के आरएफ वैल्यू के साथ मैच कर रही है तो हमें फौरन पता लग जाएगा कि ये तो स्टेरॉइड है। सही है? एंड यस, जो आप मिक्सचर ऑफ स्पॉट लगा रहे हो, इट शुड ऑलवेज 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 बी अबव द सॉल्वेंट लेवल। ठीक है, स्पॉट ऑफ मिक्सचर शुड ऑलवेज बी अबव सॉल्वेंट अदरवाइज इट विल डिजॉल्व इन दिस सॉल्वेंट। हमें डिजॉल्व नहीं करवाना है उसको सॉल्वेंट, फिर वो सेपरेट नहीं होगा। मोस्टली सब्सटेंसेस की आरएफ वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन दुनिया के हर सब्सटेंस की आरएफ वैल्यू डिफरेंट हो ये जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग ना एक और मेथड यूज करते हैं, वो हमें पढ़ना नहीं है। फिर हम पता है क्या करेंगे, इस क्रोमेटोग्राम पेपर को रोटेट करेंगे 90 डिग्री और किसी और सॉल्वेंट में इसकी क्रोमेटोग्राफी कर देंगे। ठीक है, उसको टू वे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है। और ऑब्वियसली आरएफ वैल्यू जो होगी वो स्मॉलर देन 1 आएगी, क्योंकि जब आप डिवाइड कर रहे हो सॉल्वेंट फ्रंट से, तो सॉल्वेंट फ्रंट का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, सारे स्पॉट से ज्यादा है। तो जो भी स्पॉट्स का डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट करोगे तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से हमेशा वैल्यू बड़ी होगी, तो आरएफ वैल्यू ऑलवेज स्मॉलर देन 1। ठीक हो गया? अच्छा, कभी कभार जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, जैसे प्रोटीन्स की क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो हमारे पास जो अननोन कोई भी कंपाउंड है या कोई भी कंपोनेंट है, अगर वो कलरलेस है तो उसका उसको ना हम एक आर्टिफिशियल कलर दे देते हैं। किस तरह से देते हैं, क्रोमेटोग्राम पेपर पे ग्लूकेटिंग एजेंट स्प्रे करते हैं जिससे उसका कलर आ जाता है। हमारे पास कभी कभार क्रोमेटोग्राफी करने के लिए कलरलेस सब्सटेंसेस के हम लुकेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं। लुकेटिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू गिव कलर कलरलेस सब्सटेंसेस। यूजली जो हम प्रोटीन्स की क्रोमेटोग्राफी करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, तो हम उस पर एक निनहाइड्रिन स्प्रे होता है लुकेटिंग एजेंट, उसका नाम याद नहीं रखना, बस ये याद रखो लुकेटिंग एजेंट हम स्प्रे करते हैं ताकि वो कलरलेस सब्सटेंसेस को कलर दे दे। प्रोटीन इनसॉल्युबल आपका हर सॉल्वेंट में थोड़ी है, तो जिस सॉल्वेंट में प्रोटीन सॉल्युबल है उस सॉल्वेंट में डाल के करेंगे। फॉर्मूला ऑफ आर ये लिख पाया था बेटा मैंने, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट का आरएफ नहीं निकालते, सॉल्वेंट का आरएफ तो 1 हुआ ना, बेस लाइन से सॉल्वेंट का डिस्टेंस ही तो हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में भी वही रखोगे तो वो तो 1 आ जाएगी वैल्यू, वो निकालने का भी पर्पस नहीं है। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हम किस कामों के लिए यूज कर रहे हैं, इसको जरा सा समराइज करके लिखवा देता हूँ जो यूज है क्रोमेटोग्राफी का। इज यूज टू आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंसेस बाय कंपैरिजन विद नॉन सब्सटेंसेस, लाइक आपने जो
डोप टेस्ट बताया एग्जाम्पल स्टेरॉइड वाला, तो प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूजली जो आपके फूड टेस्ट होते हैं, जैसे एक रिसेंट स्टडी में वो बताया था जो सेरेलैक होता है उसमें हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी करके टेस्ट किया कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेटालिक आयन है जो कि हमारे पास नहीं होना चाहिए था उस फूड में, ठीक है, उसकी जो आर एफ वैल्यू है लेट्स से वो 0.5 है। अब हम चाह रहे हैं, हमने जब क्रोमेटोग्राफी की और हमें एक कॉम्पोनेंट मिला विद आर एफ वैल्यू ऑफ 0.5, तो एक अनवांटेड सब्सटेंस है, तो इससे हमें प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस भी पता लग जाती है। ठीक है भाई, चले आगे। बाकी हैंडआउट में क्रोमेटोग्राफी के कुछ यूजेस लिखे हैं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, बात हमने सारी कर ली है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी के। ठीक है, ये एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे गिवन है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो मैंने बताई है इट्स मोर देन इनफ, लेकिन अगर ये पढ़ लो तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी है, बातें याद करने की जरूरत नहीं है अपना। लेकिन अगर ये वाला जो लिखा हुआ है ना क्लोरोफिल, या अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें वो बता देगा कि हमने किस चीज की क्रोमेटोग्राफी की हुई है, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना इसको। बाकी प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस चेक करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी भी यूज कर सकते हैं। प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस चेक करने का एक तरीका और है, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर मुझे प्योर गोल्ड है उसको टेस्ट करना है, तो गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर वो लेट से गोल्ड बार है जो हम डाउटफुल है कि वो प्योर है या नहीं है, तो हम उसको मेल्ट करके देख लेंगे, अगर वो अपने फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हो रहा है तो सही है वो प्योर है, अगर अपने मेल्टिंग पॉइंट से आगे पीछे मेल्ट हो रहा है। यूजली जो सॉलिड में इम्प्योरिटी होती है तो वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट पे, मतलब टेम्परेचर लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से हमें प्योरिटी और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो प्योरिटी क्रोमेटोग्राफी से प्योरिटी कैसे टेस्ट हो सकती है, अगर मेरे पास क्रोमेटोग्राम पेपर पे एक अननोन सब्सटेंस आ रहा है जो कि उस सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए था, तो दैट्स हाउ वी कैन चेक कि वो सब्सटेंस इम्प्योर है, क्योंकि उसमें एक ऐसी चीज आ रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अदरवाइज प्योरिटी चेक करने के लिए आपको पता है ना कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज इम्प्योरिटी इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स एंड इम्प्योरिटी डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स। अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई सब्सटेंस प्योर है या नहीं है, तो मैं उसको मेल्ट और बॉइल करके देख सकता हूँ, अगर वो सॉलिड है तो मेल्ट करके देख लो, लिक्विड है तो बॉइल करके देख लो। अगर वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है सॉलिड, तो मतलब है वो इम्प्योर है, ठीक है, और अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है जाके, इसका मतलब है वो इम्प्योर है। आयशा बेटा, उसको हमें ना कंपेयर करना पड़ेगा किसी चीज के साथ, जैसे हमने बात की ना कि हमारे पास नॉर्मल जो ब्लड है उसकी अगर हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास ये चार तरह के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अब हमने एक ब्लड की क्रोमेटोग्राफी की, उसमें इन चार के अलावा भी एक और कंपोनेंट आ रहा है एक्स्ट्रा, तो वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल ब्लड की जब हमने क्रोमेटोग्राफी की है तो उसमें एक ये चार सब्सटेंस होते हैं, एक अननोन सब्सटेंस अगर यहाँ पे आ रहा है तो इससे हमें पता लग गया कि ये सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो अगर ये कोई फूड है कि खाने की चीज है और उसमें अगर ये चीज आ रही है तो वो इम्प्योर है, मतलब वो चीज क्या है, अब उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कंपैरिजन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो चीज इसमें एक्स्ट्रा आ रही है वो एक्स्ट्रा है या नहीं। गॉट इट? अच्छा जी, एक छोटी सी बात यहाँ पे और है, कलेक्शन ऑफ गैसेस। अब गैसेस को हम किस किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, एक तरीका तो हम ने ये रेट ऑफ रिएक्शन में देखा है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपके पास किसी रिएक्शन में गैस कलेक्ट हो रही है तो आप इसके साथ एक कनेक्टिंग ट्यूब लगाओगे कॉनिकल फ्लास्क के साथ और उसको गैस रेंज में ले जाओगे, वो गैस रेंज में कलेक्ट हो जाएगी, राइट।
इसके अलावा आप गैसेस जो है वो जरूरी नहीं है कि हमें